हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माइक्रो टॉक योर ऑन यूट्यूब चैनल। आई एम मानसी वंस अगेन विद यू। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ लाइफ साइंस फॉर CUET PG के। आपको पता है ये एग्जाम जल्दी आने वाला है और मैं एक सीरीज़ भी आप लोगों के लिए लेकर आई थी जिसमें मैंने आपको प्रिपरेशन कराई थी काफ़ी सारे टॉपिक की रिलेटेड टू CUET PG लाइफ साइंस। तो चलिए उसी सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हैं और उसी सीरीज़ में मैं आप लोगों को क्वेश्चन आंसर प्रिपेयर करा रही हूँ। उससे पहले मैंने आप लोगों के साथ एक क्वेश्चन आंसर की सीरीज शेयर की थी रिलेटेड टू CUET PG, जो कि बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, और आज पूरी लाइफ साइंस के ही हम क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 जो कि क्या है, द ABO ब्लड ग्रुप वर डिस्कवर्ड बाय। हमें पता है ए पॉजिटिव या ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव या बी नेगेटिव, या ओ पॉजिटिव नेगेटिव ब्लड ग्रुप्स होते हैं। तो बोल रहा है कि किसने डिस्कवर किए थे। ऑप्शन है यहाँ पर कैरोलस डार्विन, सेकेंड है कार्ल लैंडस्टीनर, थर्ड ऑप्शन है यहाँ पर ग्रेगर मेंडल या फिर वॉटसन। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है यहाँ पर, कार्ल लैंडस्टीनर, जो कि ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे जो कि है क्वेश्चन नंबर 2, जो कि क्या कह रहा है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सुटेबल फॉर स्टडी ऑफ म्यूटेशन। कह रहा है इनमें से कोई एक ऐसा है जो कि ज़्यादा सुटेबल है स्टडी के लिए म्यूटेशन की। ऑप्शन है यहाँ पर हैप्लोइड्स, सेकेंड ऑप्शन है डिप्लोइड, देन टेट्राप्लोइड्स या फिर पॉलीप्लोइड्स। इसका करेक्ट आंसर क्या है, यस इसका करेक्ट आंसर है हैप्लोइड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 जो कि क्या है, O2 यानी कि डाइऑक्सीजन रिलीज इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम। वो कह रहा है जो ऑक्सीजन रिलीज होता है प्रोसेस में फोटोसिंथेसिस के, वो कहाँ से आता है। ऑप्शन है CO2, सेकेंड है वाटर, थर्ड है शुगर या फिर पायरुविक एसिड। बहुत सारे स्टूडेंट समझते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं वो CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ देते हैं, ठीक है, और ये जो ऑक्सीजन है वो कहाँ से आता है, CO2 से आता है। बट ऐसा नहीं होता है, फोटोसिंथेसिस के दौरान जो हमारा ऑक्सीजन रिलीज होता है वो किसकी वजह से होता है, वाटर के मॉलिक्यूल की वजह से होता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करेंगे जो कि क्या है, ब्रांच ऑफ साइंस विच यूज्ड इन टेस्ट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। वो कह रहा है कि एक साइंस की ब्रांच है जो कि यूज़ होती है टेस्ट के लिए ब्रेस्ट कैंसर के, वो क्या है। ऑप्शन से यहाँ पर माइकोलॉजी, मेमोग्राफी या फिर माइक्रोबायोलॉजी या फिर मॉर्फोलॉजी। सो सबसे पहले हम बात करेंगे माइकोलॉजी, माइकोलॉजी स्टडी होती है फंजाई की। देन मेमोग्राफी, यस ये वही साइंस है जो कि यूज़ होती है किसके लिए, टेस्ट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। थर्ड ऑप्शन की बात कर लेते हैं हम, माइक्रोबायोलॉजी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स की स्टडी होती है, एंड मॉर्फोलॉजी होती है जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, शेप साइज एंड स्ट्रक्चर। तो वो क्या है हमारी, मॉर्फोलॉजी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन बी जो कि क्या है, मेमोग्राफी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 जो कि क्या है, और मेजर फूड्स फाइबर स्पाइसेस फ्रूट्स एंड बेवरेजेस क्रॉप्स आर। वो कह रहे हैं जो हमारे मेजर फूड्स हैं, फाइबर्स हैं, स्पाइसेस यानी कि मसाले हैं, फ्रूट्स हैं या फिर जो भी बेवरेजेस हैं की क्रॉप हैं वो क्या हैं। ऑप्शन है यहाँ पर फ्लावरिंग प्लांट्स, जिम्नोस्पर्म्स प्लांट्स, टेरिडोफाइट्स या फिर ब्रायोफाइट्स। इसका करेक्ट आंसर क्या है, फ्लावरिंग प्लांट्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 जो कि क्या है, नाइट्रोजन इज फिक्स्ड इन इकोसिस्टम इज इन वेज स्टार्टेड बिलो, विच वन ऑफ द स्टेटमेंट बिलो इज फॉल्स। वो कह रहा है कि जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है इकोसिस्टम में वो जिस तरीके से स्टार्ट होता है वो नीचे दिया गया है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है वो गलत है। ऑप्शन है बाय साइनोबैक्टीरिया, बाय इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज इन एटमोसफेयर, बाय इंडस्ट्रियल सिंथेसाइज्ड फर्टिलाइजर या फिर बाय डीनाइट्रिफिकेशन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, बाय डीनाइट्रिफिकेशन। पहले नाइट्रोजन जो फिक्स है वो ऑलरेडी क्या होगी, डीनाइट्रिफाई होगी, और उसके बाद ही क्या होगी, वो फिक्स होगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, डी बाय डीनाइट्रिफिकेशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, DNA स्ट्रक्चर वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय। तो ये तो बहुत ही ईजी सा है, वॉटसन क्रिक ने डिस्कवर किया था, आई थिंक इसको एक्सप्लेन करने की ज़्यादा नीड नहीं है, ईजी सा क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्फ इज द नेम ऑफ यंग वंस ऑफ। वो कह रहा है निम्फ हम किसके यंग वंस को कहते हैं, एक तरीके से कह सकते हैं किसके जो न्यू बॉर्न है उनको कह रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन है यहाँ पर बटरफ्लाई, बिटल्स, हाउस फ्लाई या फिर कॉकरोचेस, कॉकरोच। तो इसका आंसर है निम्फ हम कॉकरोच के यंग वंस को कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 जो कि क्या है, नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड बाय लैक ऑफ विच विटामिन। कह रहा है जो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है यानी कि रात को कई लोग नहीं देख पाते हैं, ठीक है, वो किस विटामिन की कमी की वजह से होता है। ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी। इसका करेक्ट आंसर है विटामिन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, माइकोबैक्टीरियम लिप्रेई कोज लिप्रेसी, कोरियोनोबैक्टीरियम बैक्टीरिया कोज डिप्थीरिया, एंड विब्रियो कोमा कोज इज डैश, मतलब डैश आ गया, ठीक है। वो देखिए ये ना मैचिंग में भी दिया जा सकता है कि आपको कुछ बैक्टीरियल डिजीज दे देंगे और उसको के सामने कुछ डिजीज़ लिख देंगे, तो आपको बताना है कि कौन से वाले की सही या गलत हो सकती है। तो मैं ये कहूँगी कि आप और बैक्टीरिया या फिर और जो प्रोटोजोअल डिजीज़ हैं या वायरल डिजीज़ हैं उनके बारे में भी एक बार पढ़ करके जाना,
सो ये कह रहा है माइकोबैक्टीरियम लिप्रेई जो है वो लिप्रेसी कोज कर रहा है, जो हमारा कोरियनी बैक्टीरियम डिप्थेरिया है वो डिप्थेरिया कोज कर रहा है, तो जो विब्रियो कोमा है ठीक है वो क्या कोज करता है। ऑप्शंस दिए इसने हमारे पास, टिटनेस, इन्फ्लुएंजा, कोलेरा या फिर टाइफॉइड, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, विब्रियो कोमा बेसिकली इसी का एक स्ट्रेन होता है विब्रियो का, जिसका क्या नाम होता है पूरा विब्रियो कोलेरे, जो कि कोज करता है कोलेरा, जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, हैजा, ठीक है, जो कि मक्खियों की वजह से होता है कंटेमिनेटेड फूड, ठीक है, उसके थ्रू जो विब्रियो है कोलेरी है वो हमारे पास तक आ जाता है या फिर एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन सी कोलेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 जो कि क्या है, रेडिकल वेस्कुलर बंडल आर दोज इन विच, वो कह रहा है रेडिकल वेस्कुलर बंडल वो होते हैं जिनमें, ऑप्शन है यहाँ पर जाइलम इज सराउंडेड बाय फ्लोएम, यानी कि जाइलम फ्लोएम से सराउंडेड रहता है, फ्लोएम इज सराउंडेड बाय जाइलम यानी कि फ्लोएम सराउंडेड रहता है किससे, जाइलम से। थर्ड ऑप्शन है यहाँ पर जाइलम एंड फ्लोएम अकर ऑन द सेम रेडियस, जाइलम एंड फ्लोएम क्या रहे हैं, सेम रेडियस पे हो रहे हैं। और फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पर जाइलम एंड फ्लोएम अकर ऑन द डिफरेंट रेडियाई, यानी कि जाइलम एंड फ्लोएम डिफरेंट रेडियाई पे मिलते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या है, डी, यानी कि जाइलम एंड फ्लोएम कहाँ पे मिलते हैं, अलग अलग रेडियाई पे मिलते हैं, किसमें, रेडिकल वेस्कुलर बंडल्स जो होते हैं उनमें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 जो कि क्या है, बैम्बो इज क्लासिफाइड एज, बैम्बो को हम कैसे क्लासीफाई करते हैं, ऑप्शन है यहाँ पर बश, ट्री, ग्रास या फिर वीड। सो इसका करेक्ट आंसर क्या है, बैम्बो को कैसे क्लासीफाई करेंगे हम, एज अ ग्रास। सो जो ऑप्शन सी है वो क्या है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज एनिमल स्टार्च, यानी कि इनमें से कौन सा एनिमल स्टार्च कहलाता है, ऑप्शन है यहाँ पर सेल्यूलोस, ग्लाइकोजन, पेक्टीन या फिर काइटीन। सो इसका जो करेक्ट आंसर है एनिमल स्टार्च, ठीक है, क्या किसके बारे में बात हो रही है, एनिमल स्टार्च, तो वो क्या होता है हमारा, ग्लाइकोजन, ठीक है, क्या कहलाता है एनिमल स्टार्च, ग्लाइकोजन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 जो कि क्या है, हु डिस्कवर्ड द पोलियो वैक्सीन, किसने पोलियो वैक्सीन डिस्कवर की थी, ऑप्शन है लुईस पास्टर, जोनस साल, कॉनरेड ज्यूस या फिर एली विटने। इसका करेक्ट आंसर क्या है, पोलियो वैक्सीन किसने की थी, यस जोनस साल, बी वाला इसका क्या है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 15 जो कि क्या है, ऑक्सी रिडक्टेज ट्रांसफरेज हाइड्रोलेज लाइएजेज आइसोमरेजेज एंड लाइगेज आर ऑल क्लासेज ऑफ, ये क्या हैं, क्लासेज हैं किसकी, ये पूछ रहा है वो। सो ऑप्शन है यहाँ पर हॉर्मोन्स, एंजाइम्स, प्रोटीन एंड विटामिन्स। देखिए इनमें से मैंने आपको हॉर्मोन्स पढ़ाए थे, एंजाइम्स पढ़ाए थे एंड प्रोटीन्स पढ़ाए थे, विटामिन्स मैंने नहीं पढ़ाया आपको, और जो मैंने पढ़ाया है ना उनमें से, यानी कि इन तीन में से इसका करेक्ट कोई आंसर है, याद कीजिए ये क्या है, सभी एंजाइम की क्लासेस होते हैं, ठीक है। एंजाइम को हमने क्लासीफाई किया था ना, कितनी क्लासेस में किया, टोटल 6 क्लासेस में किया था, ठीक है, जिसका मैंने आपको शॉर्ट में भी बताया था, OTHLYL, आप ओथलिल करके इसको याद कर सकते हैं, आपको पूरा सीक्वेंस पता चल जाएगा, ठीक है। ये क्या है, एंजाइम को हम क्लासीफाई करते हैं, तो ये क्लासेस हैं किसकी, एंजाइम की। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की साइड जो कि क्या है, हर्बिसाइड्स आर यूज्ड टू कंट्रोल, हर्बिसाइड्स हैं कंट्रोल होते हैं, यूज़ होते हैं किसको कंट्रोल करने के लिए, ऑप्शन से यहाँ पर फंजाई, निमेटोड्स, वीड्स या फिर इंसेक्ट्स। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा वीड्स। हर्बिसाइड्स किसको किसको कंट्रोल करने के लिए यूज़ होते हैं, वीड्स को, जिसको हम कह सकते हैं खरपतवार भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 जो कि क्या है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ बोन, इनमें से कौन सा एक ऑप्शन नहीं है बोन का, ऑप्शन है यहाँ पे प्लेस फॉर मसल अटैचमेंट, सेकेंड है प्रोटेक्शन ऑफ वाइटल ऑर्गन्स, नेक्स्ट है सिक्रीशन ऑफ हॉर्मोन फॉर कैल्शियम रेगुलेशन इन ब्लड एंड बोन्स, एंड डी ऑप्शन है यहाँ पर प्रोडक्शन ऑफ ब्लड कॉर्पल्स। सही आंसर क्या है इसका, सेलेक्शन ऑफ हॉर्मोन फॉर कैल्शियम रेगुलेशन इन ब्लड एंड बोन्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 जो कि क्या है, रेडिश इज़ा, रेडिश क्या होती है, यस मूली जो होती है वो क्या है, ऑप्शन से यहाँ पर बल्ब है, कोन है, मॉडिफाइड रूट है या फिर ट्यूबर है। इसका करेक्ट आंसर क्या है, यस ये क्या है, एक तरीके का मॉडिफाइड रूट होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 जो कि क्या है, द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी इज, जो सबसे बड़ा ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी का वो क्या है, ऑप्शन से यहाँ पर ब्रेन, हार्ट, स्किन या फिर लीवर। ये क्या होता है, स्किन है ना, हमारी पूरी बॉडी से कवर रहती है किससे, स्किन से। सो इसका करेक्ट आंसर क्या है, सी स्किन, सबसे बड़ा ऑर्गन होता है ह्यूमन बॉडी का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, ऑप्शन है प्लांट्स हॉर्मोन्स दैट इंड्यूसेस सेल डिवीजन इज, वो कह रहा है प्लांट हॉर्मोन जो कि क्या कर रहा है, इंड्यूस करता है
सेल डिवीजन को, वो क्या है? ऑप्शन है यहाँ पर ऑक्सिन, जिब्रेलिन्स, काइनिन्स या फिर डोमेन्स। इसका करेक्ट आंसर क्या है? जो कि इंड्यूस कर रहा है सेल डिवीजन को, मैं अगेन आपको याद दिला रही हूँ, उसका नाम क्या है? काइनिन्स। सो यस, 20 क्वेश्चन ही थे टोटल जो मैंने आज आपके लिए बनाए थे। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है या नहीं रहा है, और फ्यूचर में आप कैसे वीडियो देखना चाहते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।